Hey guys, what's up and welcome back to Suman Imagination. Guys, आज हम करने वाले हैं दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो बने रहिए एंड तक हमारे वीडियो के साथ। ओके सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और इसके बाद नीचे प्लस वाला आइकन को क्लिक करके ऊपर एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है। और इसके बाद गाइस नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस फिर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और इसके बाद ऐड फोटोज़ पर क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोटो को हम ऐड कर लेंगे। और गाइस मैं पहले से ही फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज करके रखा। अगर आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके सो गाइस, फ़ोटो को ऐड करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटोज़ पे जाना पड़ेगा और इसके बाद इस सारे PNGs वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके सो गाइस, सारे PNGs वगैरह ऐड करने के बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और इसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड को आपको स्किन करना पड़ेगा। और गाइस इस तरह से आपको सारे PNG का ब्लेंडिंग मोड को आपको स्किन करना पड़ेगा। तो गाइस मैं एक एक करके सारे PNG का ब्लेंडिंग मोड को स्किन कर देती हूँ। ओके गाइस, इसके बाद आपको इस सारे फ़ोटो को एक एक करके बैकग्राउंड के ऊपर सेट करना पड़ेगा। और हाँ गाइस, आपको इस सारे बैकग्राउंड और PNGs वगैरह आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। ओके सो गाइस, हमने सारे PNGs वगैरह को फ़ोटो का ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं और इसके बाद ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद गाइस फिर से नीचे स्क्रॉल करके ड्रॉ टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस नीचे इस ऑप्शन को क्लिक करके कलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसके बाद गाइस ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद गाइस ब्रश वाले आइकन को भी क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा लो कर देंगे। ओके सो गाइस, सेट करने के बाद इस तरह से फेस के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। और गाइस ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम इरेज कर लेंगे और नीचे इस इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फोटो को इस तरह से इरेज कर लेंगे। और गाइस अगर आपको इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट को आपको इरेज करना है तो आप फिर से इस इरेजर वाले ऑप्शन पे टैप करो और इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा लो कर दो और इसके बाद फिर से इरेज कर सकते हो। ओके गाइस, हमने इसको अच्छी तरह से इरेज कर लिए हैं और इसके बाद ऊपर टिक कर देंगे। ओके गाइस, इसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करके ऐड फोटोज़ पे जाएंगे और इस लाइट PNG को ऐड कर लेंगे। तो गाइस मैं एक साथ 5 PNG को ऐड कर लेती हूँ, आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो। इसके बाद गाइस एक एक करके इसका ब्लेंडिंग मोड को स्किन कर देंगे। ओके सो गाइस, हमने इस सारे लाइट PNG को एक एक करके स्किन कर दिया और इसके बाद गाइस इसको ठीक ठाक जगह पे सेट करना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से आप एक एक करके सारे PNG को सेट कर सकते हो। ओके सो गाइस, हमने इस सारे PNG को एक एक करके फ़ोटो का ऊपर सेट कर दिए हैं और इसके बाद गाइस ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद गाइस टूल ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नीचे एडजस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके बाद गाइस इसका सारे टूल को एक एक करके फ़ोटो का हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके सो गाइस, हमने इसका सारे टूल को फोटो का हिसाब से एक एक करके एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद ऊपर टिक कर देंगे और फोटो को गैलरी पे सेव कर देंगे।
ओके गाइस, हम फिर से पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और इसके बाद हमारा बैकग्राउंड को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करके ऐड फोटोज़ पे जाना है और हमारा फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। और गाइस इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करके बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस आपको फिर से ऐड फोटोज़ पे जाना है और इस पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं एक साथ सारे पीएनजी को ऐड कर लेती हूँ, आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो। इसके बाद गाइस इस सारे पीएनजी का ब्लेंडिंग मोड को स्किन कर देना है। ओके सो गाइस, ब्लेंडिंग मोड को स्किन कर देने के बाद आपको इस सारे पीएनजी को फोटो का ऊपर अच्छी तरह से सेट करना है। तो गाइस मैं एक एक करके इस सारे पीएनजी को फोटो का ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस सारे बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, हमने इस सारे पीएनजी को बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं और इसके बाद गाइस फिर से ऐड फोटोज़ पे जाएंगे और इस लाइट पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस फिर से इस लाइट पीएनजी का ब्लेंडिंग मोड को आपको स्किन कर देना पड़ेगा। तो गाइस मैं एक एक करके इस सारे पीएनजी का ब्लेंडिंग मोड को स्किन कर देती हूँ। ओके गाइस, इस सारे पीएनजी को स्किन कर देने के बाद आपको इस सारे पीएनजी को बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से सेट करना है। तो गाइस मैं एक एक करके इस सारे पीएनजी को बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर देती हूँ। ओके सो गाइस, इस सारे पीएनजी को सेट करने के बाद ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद गाइस टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे इस सारे टूल को फोटो का हिसाब से एक एक करके एडजस्ट कर लेंगे। ओके गाइस, हम इस सारे टूल को फोटो का हिसाब से एक एक करके एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद गाइस ऊपर क्लिक करके फ़ोटो को गैलरी पे सेव कर देंगे।